हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। हम इसका पहला पार्ट कर चुके हैं, आज हम इसका पार्ट 2 बना रहे हैं। हमने पढ़ लिया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, इनको किन 5 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं, क्यों ये हमारे फ्रेंड्स होते हैं, क्यों ये हमारे दुश्मन होते हैं, पैथोजेंस किसे कहते हैं। तो ये सब हम लोग फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ जाके पहले फर्स्ट वीडियो को देख लीजिए। अब आज पार्ट 2 में हम देख रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किस तरह से हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ही यूजफुल होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली हमें पता है कि हम लोग कर्ड बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो इन सब चीज़ों में ये यूज होते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं किस तरह से ये स्पेसिफिक अपना रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज। तो ये सब बनाने के लिए आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। तो हम एकदम से इन्हें अपना दुश्मन नहीं समझ सकते क्योंकि हमारे खाने पीने की चीजों में बड़े काम आते हैं। इन एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर में भी काम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये टू इंक्रीज फर्टिलिटी, ये जो है सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये जो है हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। हमारी जो प्लांट्स होते हैं उनको नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो प्लांट्स डायरेक्टली जमीन में से नहीं ले पाते हैं, एयर में से नहीं ले पाते हैं, डायरेक्टली एयर में से नहीं ले पाते हैं, तो फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मदद करते हैं प्लांट्स की, वो नाइट्रोजन फिक्सर का काम करते हैं। फिर है इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करने के काम आता है ये अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल, आप सोच रहे होंगे कि अल्कोहल बनाने की जरूरत क्या पड़ती है। स्टूडेंट्स, अल्कोहल सिर्फ मतलब शराब सिर्फ पीने के काम नहीं आता है, अल्कोहल शराब में ऐड होता है, लेकिन अल्कोहल बहुत सारी दवाइयां बनाने के भी काम आता है। अल्कोहल जो है हमारे कॉफ सिरप्स जितने भी होते हैं उनके अंदर भी अल्कोहल ऐड किया जाता है। तो अल्कोहल बहुत यूजफुल होता है मेडिसिनल वैल्यूज के कारण, इसीलिए हम उसे प्रोड्यूस करते हैं। वाइन बनाने के काम आता है, विनेगर बनाने के काम आता है। विनेगर, ये जो हम लोग हमारे सोया सॉस, चिली सॉस, ये किसी भी चीज खाने को थोड़ा सा खट्टा करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर विनेगर का मतलब ही होता है एसिटिक एसिड, और एसिड्स कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। इन मेडिसिन ये यूज होता है टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। हमने फर्स्ट पार्ट में बात की थी कि जो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटी मतलब विरोधी, ये विरोधी होते हैं बैक्टीरियाज के, माइक्रोब्स के, तो ये हम अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक जो लेने के बाद में एंटीबॉडीज को बढ़ा देंगे, और एंटीबॉडीज क्या करेंगे, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग कर देंगे, और ये जितनी भी डिजीजेज आएंगे, पैथोजेंस हैं, इनको मार भगाएंगे। पैथोजेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स ऐसे माइक्रोब्स जो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, एंटर करते हैं अंदर, और उसके बाद क्या करते हैं, हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। अब देख लेते हैं डिटेल में कि किस तरह से हम लोग कर्ड बनाते हैं, यानी दही बनाते हैं। आप लोगों की मम्मी घर पे दही बनाती होगी, तब आपने नोटिस किया होगा कि मम्मी जो है वो गर्म दूध लेती हैं, गर्म दूध में थोड़े से दही के जो है छींटे उसमें मार देती हैं, थोड़ा सा दही ऐड कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स, मेकिंग ऑफ कर्ड इज द प्रोसेस इन विच द लैक्टोज, लैक्टोज जो है मिल्क के अंदर जो है एक शुगर, शुगर होता है जिसे हम मिल्क शुगर कहते हैं, लैक्टोज होता है वो, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, लैक्टिक एसिड में। एसिड जैसे ही बन जाएगा, दूध जो होता है वो खट्टा नहीं होता है, लेकिन दही जो होता है वो खट्टा होता है, तो लैक्टोज से वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। बाई द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया, कौन से स्पेशली होते हैं, लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया के कारण जो है दूध से दही बनाने में हमें मदद मिलती है। कर्ड कैसे बनता है, कर्ड को हम कैसे बनाते हैं, ये प्रोसेस भी देख लेते हैं, ताकि कभी अगर घर पे मम्मी ना हो या फिर आप मदद करना चाहें तो आप बना सकें। वार्म मिल्क जो होता है, गुनगुना या फिर गर्म दूध जो होता है, उसके अंदर हम उसको एक बर्तन में ले लेते हैं, ऐसे बर्तन में जिसमें थोड़ा सा दही हम ऐड कर सकें। व्हेन लैक्टोबैसिलियस ग्रोज, फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलियस की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है,
तब दूध जो होता है, वो पतला होता है कंपेयर टू दही। तो फिर जैसे ही लैक्टोबैसिलस उसमें ग्रो होने लगता है तो दूध हमारा क्या बन जाता है, दही बन जाता है। इट कन्वर्ट्स लैक्टोज इंटू लैक्टिक एसिड। और जब हमारा कर्ड बन जाता है, हमें पता चल जाता है कि दूध जो है अब वो जमने लगा है, थिक होने लगा है, तो हमें क्या कर देना चाहिए, उसको तुरंत ठंडे प्लेस पे ट्रांसफर कर देना चाहिए, जैसे कि हमें उसे फ्रिज में रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे रेफ्रिजरेट नहीं करेंगे, फ्रिज में नहीं रखेंगे, तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाएगी। अब वो बैक्टीरिया क्या कर रहा है, लैक्टोज को कन्वर्ट कर रहा है लैक्टिक एसिड में, यानी दूध को खट्टा कर रहा है, दही बना रहा है। अब ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी तो दही बहुत ही ज्यादा खट्टा हो जाएगा और फिर वो हमारी बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करेगा। तो हम क्या करते हैं उसको, व्हेन कर्ड इज मेड इट इज ट्रांसफर्ड टू अ कूल प्लेस। दिस इज डन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फर्दर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड इट विल मेक कर्ड मोर सोर। वरना अगर हम उसको बाहर ही रखेंगे, गर्म जगह पर ही रखेंगे, तो लैक्टोबैसिलस जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाएगा और जिससे हमारा दही है वो बहुत ही ज्यादा खट्टा हो जाएगा। ब्रेड हम कैसे बनाते हैं, ब्रेड के अंदर हम यीस्ट ऐड करते हैं। जो ब्रेड का डो होता है, यानी जो हम लोग आटा गूंथते हैं ब्रेड को बनाने के लिए, उसके अंदर हम यीस्ट ऐड करते हैं। यीस्ट क्या करता है स्टूडेंट, जब वो रेस्पिरेशन करता है तो काफ़ी सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो उस गूंधे हुए आटे के अंदर जमा हो जाता है। जैसे ही हम उस आटे को बेक करते हैं, उस डो को बेक करते हैं, तो सारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हीट के कारण जो है वो बाहर निकल जाता है। अब उसके कारण क्या होता है, ये सपोज कीजिए डो है ये एकदम, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा तो इसमें छेद छेद हो जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जो ब्रेड होती है उसमें होल्स होते हैं। अगर आपने खमन ढोकला देखा है तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि उसके अंदर होल्स होते हैं। उस होल्स के कारण वो क्या होता है, एकदम स्पंजी हो जाता है और लाइट वेट हो जाता है। तो इन ब्रेड मेकिंग यीस्ट इज एडेड टू अनकुक्ड डो टू मेक द डो राइज, उसको और ज्यादा फुलाने के लिए हम ऐड करते हैं। द डो राइजेस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। जो डो होता है, जो वो आटा हम गूंद के रखते हैं, वो इसीलिए फूल जाता है क्योंकि उसके अंदर यीस्ट जो होता है वो रेस्पिरेशन कर रहा होता है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेशन ऑफ यीस्ट। हीट ऑफ बेकिंग ड्राइव्स ऑफ द CO2 मेकिंग द ब्रेड पोरस एंड लाइट। पोरस मतलब छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और लाइट वेट हो जाता है। और हीट जब हम बेकिंग करते हैं तो ये बेकिंग के कारण सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर निकल जाता है। इन डे टू डे लाइफ फॉर मेकिंग इडली डोसा वी यूज ईस्ट। हम लोग इडली डोसा ये सब जो बनाते हैं इसके अंदर भी हमें ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है। द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस दाल इज फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर अ फ्यू आवर्स। ग्राउंड राइस एंड दाल मतलब दाल चावल को भिगो लिया जाता है एक बर्तन में, उसके बाद उसको पीस लिया जाता है और किसी भी बड़े वेसल के अंदर क्या 4-5 घंटे के लिए हम उसको रख देते हैं ताकि क्या हो, उसमें थोड़ी सी फर्मेंटेशन हो। फर्मेंटेशन होगी तो यीस्ट का ग्रोथ ज्यादा होगा, यीस्ट जो है उसको क्या कर देगा, खट्टा कर देगा। दिस मिक्सचर राइजेस एंड बिकम्स सोर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। अब देख लेते हैं कि हम लोग चीज के अंदर फंगे यूज करते हैं, फंगे में भी एस्पार्गिलस यूज करते हैं, पेनिसिलियम यूज करते हैं, ताकि जो चीज का ना एक स्पेशल टाइप का थोड़ा सा अलग सा ही टेस्ट आता है, हल्का सा खट्टा टाइप, हल्का सा सॉल्टी टाइप, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फंगी एस्पार्गिलस एंड पेनिसिलियम के कारण। अब स्टूडेंट बात करते हैं कि ये जो माइक्रोब्स हैं ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हमारी क्या मदद करते हैं। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, ऑल प्लांट्स नीड नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो 78% प्रेजेंट होती है इन द एयर। तो सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अल्गे आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन टेक नाइट्रोजन। कुछ ब्लू ग्रीन अल्गे होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बस वही जो होते हैं वो आसानी से एयर के अंदर प्रेजेंट नाइट्रोजन को ले सकते हैं। प्लांट्स जो हैं वो ये काम नहीं कर पाते। दीज माइक्रोब्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। अब ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर इन्हें कहा जाता है। स्टूडेंट्स ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। स्पेशली नाम याद रखिएगा, राइजोबियम बैक्टीरिया।
ये आपके चैप्टर नंबर वन में भी था कि सॉइल की फर्टिलिटी कैसे मतलब इंक्रीज होती है, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं मतलब दाल पल्सेस वगैरह, उनके रूट नोड्यूल्स जो होते हैं वो ये क्या करते हैं, इन सब हमारे जो नाइट्रोजन होती है उसको अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो वो सेम टॉपिक जो है वो यहाँ पर रिपीट हो रहा है। इन माइक्रोब्स को हम नाइट्रोजन फिक्सर्स कहते हैं क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन को लेके जमीन के अंदर फिक्स कर देता है। दे कन्वर्ट द एलिमेंटल नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड। ये क्या करता है, एलिमेंटल नाइट्रोजन जो होता है इसको नाइट्रोजन कंपाउंड में फिक्स कर देता है जमीन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आप इतना लिख लीजिए, फिर आगे का पार्ट हम कंटिन्यू करते हैं। अब स्टूडेंट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे काम करता है देख लेते हैं कि जो प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये जो प्रोसेस होती है नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कंटेन करने की, ये कुछ बैक्टीरियाज करते हैं, ये लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं पीज पल्सेस उस प्लांट के रूट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल टाइप, दीज आर द रूट नोड्यूल्स, ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं इसके अंदर ये बैक्टीरियाज रहते हैं और इन बैक्टीरिया की इस रूट के साथ में जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। स्टूडेंट्स सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है जब दोनों जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है। जैसे कि ये रूट्स होते हैं इनके नोड्यूल्स जो होते हैं ये बैक्टीरिया को अपने अंदर शेल्टर देते हैं, जो भी मिनरल्स होते हैं रूट्स के अंदर से एब्जॉर्ब होते हैं जमीन के अंदर वो सारे इसको प्रोवाइड करते हैं। बदले में ये क्या करता है, ये बदले में नाइट्रोजन जो है वो प्रोवाइड करता है इस रूट को। तो द लेग्यूमिनस प्लांट्स लाइक दोज ऑफ पल्सेस बीन्स हैव रूट्स बियरिंग सर्टेन स्वॉलन स्ट्रक्चर्स कॉल्ड रूट नोड्यूल्स। ये जो रूट नोड्यूल्स होते हैं इनके अंदर बैक्टीरियम रहता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन आपका 2 मार्क्स में आ सकता है। Lives in the root nodules. This relationship between the roots of plants such as peas and beans and the bacteria is a symbiotic one. इस तरह का जो relationship होता है root nodules में ये जो bacteria रहते हैं तो plants के root nodules और bacteria के बीच में एक symbiotic relationship होता है। अब देखते हैं production of alcohol, wine, vinegar ये किस तरह से बनता है। तो यीस्ट हम यूज करते हैं लार्ज स्केल पे अल्कोहल वाइन बियर बनाने के लिए। अब ये जो होती है ये वीट में से भी बनती है, राइस में से भी बनती है। तो फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन फ्रूट जूसेस। अब स्टूडेंट्स जो वाइन होती है अल्कोहल होता है इन सब में फ्रूट जूसेस जो होते हैं उनको फर्मेंटेड कराया जाता है, यानी कि थोड़ा सा सड़ाया जाता है, फर्मेंटेशन होता है जैसे उसका। तो ये जूसेस के ऊपर क्या होगा, यीस्ट बैठने लगेगा, ग्रो होने लगेगा। अब वो जैसे ही ग्रो होने लगेगा तो क्या कर देगा, वो उसकी जो फ्रूटनेस जो स्वीटनेस है उसको क्या कर देगा, सोर टेस्ट में थोड़ा सा अजीब टेस्ट में गंदी स्मेल में उसको चेंज कर देगा। एंड ग्रेन्स, हम ग्रेन्स का भी यूज करते हैं, बियर जो होती है वो ग्रेन्स की होती है। Yeast brings about conversions of sugars into alcohol and CO2. ये क्या करता है, शुगर को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से इवॉल्व हो जाता है, बाहर निकल जाता है। This process of conversion of sugars into alcohol is called fermentation process. ये जो प्रोसेस होती है शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करने की, इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन प्रोसेस कहते हैं। और ये प्रोसेस आपके 12th स्टैंडर्ड तक आने वाली है, ये एवरी ईयर आपको रिपीट होने वाली है स्टूडेंट्स, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। एरोबिक बैक्टीरिया मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो एयर के प्रेजेंस में रेस्पायर करते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया लाइक एसिटोबैक्टर आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ विनेगर। विनेगर के प्रोडक्शन के लिए जो हम बैक्टीरिया यूज करते हैं उसका नाम है एसिटोबैक्टर। और ये क्या फॉर्म करता है, किस में से बनाता है विनेगर, अल्कोहल में से बनाता है।
The fungus Aspergillus is used for producing large quantities of citric acid, which is used for soft drink industries. हम लेमन जूस देखते हैं या फिर जो भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं उसमें जो भी हल्की सी भी जो खटास होती है तो वो सिट्रिक एसिड के कारण होती है और वो जो होता है हम प्रोड्यूस करवा पाते हैं फंगस एस्पार्गिलियस की मदद से. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट यानी विरोधी. बायोटिक्स का बायो का मतलब होता है लाइफ. तो जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ काम करते हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. दे आर केमिकल्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ माइक्रोब्स. दे हेल्प अवर बॉडी टू फाइट डिजीज. ये हमारी बॉडी को मदद करते हैं कि डिजीज के अगेंस्ट क्या करें, फाइट कर सकें. स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स. इसमें और मैं ऐड कर दूं एजिथ्रोमाइसिन हो गया. तो ये सारी जो एंटीबायोटिक्स होती है ये हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में हमें डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं. सर्दी जुकाम हो गया या मतलब कोई वायरल हो गया तो ये सारी चीजें हम ये दवाइयां हम यूज करते हैं. विच आर मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया. Antibiotics are used to cure variety of disease in plants, humans and in animals. Antibiotics जो होते हैं वो plants के लिए भी जरूरी होते हैं, humans के लिए भी और animals. तीनों जो है तीनों को antibiotics दिए जाते हैं क्योंकि तीनों living organism है, तीनों को microbes से परेशानी रहती है. अब जब भी हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं. तो कौन से प्रिकॉशंस होते हैं? Should be taken only on advice of a qualified doctor. ये इसलिए बताया गया है कि घर घर में डॉक्टर तो मौजूद ही होते हैं. ये कर लो, अदरक ले लो, तुलसी ले लो तो इससे ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा. स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करे, जो बताए वही फॉलो करना चाहिए. डॉक्टर भी जो है वो फेक नहीं, क्वालिफाइड होना चाहिए. मस्ट कम्प्लीट द एंटायर कोर्स. अब डॉक्टर आपको बोल रहा है चार दिन तक दवाई लेनी है, आप एक दिन लिया और बोल रहे हैं कि मैं ठीक हो गई या ठीक हो गया, तो ये भी अच्छी बात नहीं है. तो हमें पूरा का पूरा कोर्स जो है वो कम्प्लीट करना चाहिए. एक्सेस डोज मस्ट नॉट बी टेकन. अब चार दिन बोला था दवाई लेने के लिए, हम 5-6 दिन तक ले रहे हैं कि इतनी ज्यादा ले लो कि बिल्कुल ही ठीक हो जाओ, तो ऐसा नहीं होता. जितना दिन बताया जाता है उतना ही दिन लेना है. एक्सेस डोज जो होता है वो भी हार्मफुल होता है, हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है. अब देखते हैं कि किस तरह के कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो कौन से टाइप की डिजीज मतलब कॉज करते हैं. तो वायरस जो होता है वो कॉमन कोल्ड कॉज करता है, चिकन पॉक्स कोल्ड कॉज करता है, पोलियो, मीजल्स, रेबीज, तो ये सब क्या होता है, वायरस के कारण होता है. बैक्टीरिया जो होता है ये कॉलेरा, टाइफॉइड, टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, एंथ्रेक्स, प्लेग, तो ये ऐसी बीमारियां कॉज करता है. प्रोटोजोआ होता है ये मलेरिया, डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस. स्लीपिंग सिकनेस का मतलब होता है कि किसी को बिल्कुल ही नींद ही नहीं आती है, मतलब उसकी स्लीप मतलब वो बीमार है, वो सो ढंग से नहीं पा रहा है. एंड फंगी. फंगी जो होता है वो रिंग वॉर्म यानी स्किन डिजीज. पूरी जो है हमारी चमड़ी जो होती है वो बिल्कुल खराब होने लगती है, उसमें एक तरह की इचिंग आने लगती है, तो ये रिंग वॉर्म बनाता है फंगी. तो स्टूडेंट्स आप जल्दी से नोट्स को कॉपी कर लीजिए. बच्चों अब हम देखते हैं कि डिजीजेस कितने टाइप की होती हैं. तो डिजीज जो होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है कम्युनिकेबल और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल. कम्युनिकेबल का मतलब होता है जो और फैलती है, मतलब एक से दूसरे को या बाहर इन्फेक्शियस मोड्स जो भी हैं उन इन्फेक्शन से हमें भी जब इन्फेक्शन लग जाता है तो उन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं. दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल. नॉन कम्युनिकेबल मतलब वो किसी छूने से नहीं फैलती है, जैसे कि हमारे डायबिटीज हो गया, HIV एड्स हो गया, तो ये सारी छूने से नहीं फैलती है, ये जेनेटिक होती है या दूसरे तरीके से होती है. अभी हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो कम्युनिकेबल डिजीज पे होना चाहिए क्योंकि ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से फैलती है. तो इसके मीन्स ऑफ जो
स्प्रेड है यानी किस तरह से फैलता है, तो ये फैलता है एयर एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, कंटामिनेटेड यानी कि जो पहले से ही इनको कैरी कर रही है यानी खराब जो एयर है, या जो अगर कोई छींक रहा है और उसके मतलब छींक के साथ में जो भी वो ड्रॉपलेट्स गिर रहे हैं स्नीजिंग के साथ में, वो ड्रॉपलेट्स के अंदर वायरस है, अगर कोई पानी है कोई जिसके अंदर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस या कहीं वॉमिटिंग या उसका जो भी उसके बॉडी से बैक्टीरिया और ये सब निकल के आए हैं, तो ये एयर वाटर के थ्रू स्प्रेड होते हैं। दूसरे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या कैरियर्स जो होते हैं इनके डिजीज़ के वो होते हैं मॉस्किटो, फ्लाइज, कॉकरोचेस, तो ये सब हो गए एक दूसरे को इन्फेक्शन लगाने वाले, ये जो हो गए कैरियर्स हो गए। हाउस फ्लाई यानी कि मक्खी, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, जब भी हम खाते हैं अगर हमारा खाना जो है वो खुला रखा हुआ है, हमने उसे ढका नहीं है, तो ये मक्खी जो है ये नालियों पर भी बैठती है, गंदे कूड़े पर भी बैठती है, तो इसके जो पैरों में जो भी जर्म्स होते हैं वो चिपके हुए वो हमारे फूड प्रोडक्ट्स पर भी बैठ जाते हैं और हमें ये क्या करती है, बीमारियाँ फैलाती है। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जो फूड है, फूड मस्ट बी कवर्ड, प्रॉपर सैनिटाइजेशन शुड बी मेंटेन, हमें सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग खुले में टॉयलेट जाते हैं ये करते हैं, तो मक्खियाँ जो है वहाँ से जर्म्स ले लेके दूसरी जगह पर भी आती हैं, तो हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। गार्बेज शुड बी प्रॉपरली डिस्चार्ज, अगर कहीं पे कूड़ा इकट्ठा हुए जा रहा है काफ़ी दिन से, तो उसको प्रॉपर प्लेस पे कहाँ जाकर डंप करना है तो वो हमें देखना चाहिए। इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड, इंसेक्टिसाइड्स मतलब ऐसे मतलब हम लोगों को ऐसे ही चीज़ों ऐसे केमिकल्स का स्प्रे करना चाहिए जिससे ये जो है हाउस फ्लाइज ये क्या हो जाए, मर जाए, ख़त्म हो जाए। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट है देखिए कि फीमेल मॉस्किटो जो होती है एनोफिलीज, ये कैरी करती है पैरासाइट ऑफ मलेरिया को, जो मलेरिया के लिए जिम्मेदार जर्म्स होते हैं उनको फीमेल मॉस्किटोस एनोफिलीज जो होती है वो कैरी करती है। एडीज इजिप्टी जो मॉस्किटो होता है एडीज, ये भी फीमेल होती है, ये क्या करती है डेंगू के वायरस को कैरी करती है। अब देखते हैं कि हम मॉस्किटोज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स मॉस्किटो जो होती है मॉस्किटो की ब्रीडिंग यानी मॉस्किटो जो है वो अपने बेबीज जो है वाटर के अंदर देता है, तो वाटर के अंदर जो मॉस्किटो का बेबी होता है उसे वो एक स्टेज में बड़ा होता है, इससे लार्वा से प्यूपा, तो एक स्टेज है, तो जब वो लार्वल स्टेज में होता है अगर तभी हम उसको ख़त्म कर दें या फिर अगर हम ब्रीडिंग ही ना होने दें यानी कि अगर हम पानी को ही इकट्ठा ना होने दें, तो ये मॉस्किटो जो है वो अपने एग्स देगा ही नहीं, अपने बच्चे देगा ही नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ध्यान रखना होता है कि आफ्टर रेन हमारे आसपास में कहीं पे भी पानी जो है वो इकट्ठा ना हो जाए, पुराना मतलब कूलर हो गया जिसके अंदर काफ़ी टाइम से पानी इकट्ठा हुआ है, छतों पे टायर्स रखे हुए हैं, टायर के बीच में ये जो गैप होती है जो टायर होता है इसके बीच में गैप होती है, यहाँ पे पानी भर जाता है, पानी ना भरा रहे, पुराने पोर्ट्स रखे हुए हैं उसके अंदर का हम पानी चेंज करते रहें, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। मॉस्किटो ब्रीड्स इन वाटर, सो वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट एनीवेयर, कहीं पे भी हमें इसको कलेक्ट पानी को कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। कीप सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई, हमें अपना सराउंडिंग जो है आसपास जो भी है उसको क्या रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए। स्प्रेइंग कैरोसिन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टू फॉर्म अ थिन फिल्म विच ब्लॉक्स ऑक्सीजन एंड किल्स लार्वे ऑफ मॉस्किटो, अगर हम कहीं पर भी पानी इकट्ठा हो रखा है हमारे आसपास कोई छोटा सा गड्ढा हो गया है कहीं पे भी जहाँ पर पानी थोड़ा ज़्यादा मात्रा में है उसको हम साफ नहीं कर सकते, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसके ऊपर कैरोसिन को स्प्रे कर सकते हैं। कैरोसिन क्या करेगा, एक लेयर बना देगा उस पानी के ऊपर, अब उस लेयर के कारण जो है ऑक्सीजन जो है वो पानी के अंदर आसानी से जा ही नहीं पाएगा, अब जो लार्वा मॉस्किटोज होते हैं वो ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, रेस्पायर नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। व्हाट इज फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग क्या होता है, जब फूड खराब हो जाता है माइक्रोब्स के कारण तो हम उसे स्पॉइल्ड फूड कहते हैं, और वो जो स्पॉइल्ड फूड जब हम खाते हैं हम उसका इंटेक करते हैं तो हम भी बीमार हो जाते हैं, ये बीमारी जो है कुछ हद तक मतलब
थोड़ी होती है, इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करती है, और कुछ हद तक कभी कभी ये जो फूड पॉइजनिंग है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारी बॉडी में इतनी ज़्यादा वॉमिट्स होती है हमें, कि हमारी बॉडी में जितना भी वाटर कंटेंट होता है वो कम हो जाता है, हमें डिहाइड्रेशन हो जाता है, शुगर लेवल लो हो जाता है, और उसके कारण हमारी जान भी जा सकती है। तो फूड पॉइजनिंग इज ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ स्पॉइल्ड फूड। बैक्टीरिया कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। अब बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं? तो साल्मोनेला एंड क्लॉस्ट्रिडियम। क्लॉस्ट्रिडियम ये होता है, क्लॉस्ट्रिडियम जो होता है, एंड साल्मोनेला ये बैक्टीरिया होते हैं जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं। फिर हो गया फंगी जो फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं, वो हो गए हमारे मोल्ड्स, यानी जो आपने चपाती देखी है, ब्रेड देखी है, जिनके ऊपर ये फंगस लग जाता है, अगर हम इसको खा लेते हैं तो भी हमें फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। एस्पार्गिलियस एंड पेनिसिलियम, ये हो गए फंगस। अब फूड को प्रिजर्व कैसे करना है स्टूडेंट्स? तो हम फूड को हीट करके प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे दूध लेकर आते हैं घर पे, तो हम क्या करते हैं, उसको सबसे पहले बॉइल करते हैं। बॉइल करने से क्या होता है, उसके जर्म्स मर जाते हैं। अब जब भी हम लोग खाना खाते हैं, सपोज अगर हम दोपहर की सब्जी रात को खा रहे हैं, तब भी हम उसे क्या करते, पहले गर्म कर देते हैं बाय स्मोकिंग। स्मोकिंग का मतलब होता है रोस्ट कर, सेक कर। आपने देखा होगा मीट, फिश या फिर इवन पीनट्स, हमारी मूंगफली, ये सबको भी हम क्या करते हैं, सेक कर रखते हैं, रोस्ट करके रखते हैं, जिससे क्या हो जाए, ये खराब ना हो जल्दी। एडिंग सॉल्ट एंड शुगर, मिठाइयों के अंदर हम शुगर यूज करते हैं ताकि मिठाई 8-10 दिन तक चल सके, उसको हम धीरे धीरे खा सके। फिर बाद में आ गया हमारा अचार यानी पिकल, तो ऐसी चीज़ों में हम क्या ऐड करते हैं, सॉल्ट ऐड करते हैं ताकि वो जल्दी से ख़राब ना हो, क्योंकि हमें ये चीज़ें जो होती है वो लॉन्ग टाइम तक हम इसको खाते हैं। फिर हो गया बाय ऑयलिंग विनेगर और स्पाइसेस को ऐड करके, हम ऑयल अगर डालते हैं अचार की जो बर्नी होती है उसमें हम कितना सारा ऑयल डालते हैं, तो ऑयल वगैरह होता है तो जल्दी से उसमें फंगस जो है वो लगता नहीं है। बाय रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग, अब अगर हम हमारे खाने पीने की चीज़ों को क्या करते हैं, जैसे सॉस हो गया, जैम हो गया, कोई सब्जी भी है, कोई भी चीज़ है, तो उसको हम, चीज़ हो गया, इन सबको हम फ्रिज में रखते हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते। पैश्चराइजिंग, पैश्चराइजिंग का मतलब स्टूडेंट्स आपको पता है, पैश्चराइजेशन प्रोसेस जो होता है उसमें क्या करते हैं, मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स, मिल्क को स्पेशली पैश्चर करते हैं, एकदम से उसको बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं 15-20 सेकेंड के लिए 70 डिग्री तक, फिर जैसे ही वो गर्म हो जाता है उसको तुरंत बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया जाता है और फिर बाद में उसको नॉर्मल रखा जाता है। तो इस प्रोसेस को हम पैश्चराइजेशन प्रोसेस कहते हैं ताकि हमारा मिल्क जो है वो खराब ना हो जाए। फिर आ गया प्रॉपर स्टोरेज एंड पैकिंग, हमारे घर पे हम हाउस होल्ड पर्पस के लिए ऐसे बॉक्सेस रखते हैं जो एयरटाइट कंटेनर हो, क्योंकि एयरटाइट कंटेनर नहीं होगा, हवा के कांटेक्ट में आते ही जो फूड आइटम्स होते हैं वो रेंसिडिटी शो करते हैं, रेंसिडिटी मतलब वो खराब हो जाते हैं, उनका जैसे ऑक्सीजन के साथ में उनका रिएक्शन होता है तो वो सड़ जाते हैं। ये टॉपिक, सेम टॉपिक फूड पॉइजनिंग का, रेंसिडिटी का स्टूडेंट्स आपका 10th स्टैंडर्ड में भी आएगा। हाउ इज ऑयल्ड फूड अफेक्टेड, जो हमारा फूड जो है वो सड़ गया है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो हमें पता चल जाएगा जब उसमें से गंदी स्मेल आने लगेगी, उसका टेस्ट जो है जैसा आना चाहिए वैसा नहीं आएगा, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो भी अफेक्ट हो जाएगी। मतलब आप कोई चीज़ सड़ गई और फिर भी आप सोचो कि ये तो मेरा फेवरेट है, इसको तो मुझे खाना ही है, तो उससे कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलने वाला, उल्टा आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो आपके 9th स्टैंडर्ड में भी आता है और 3-4 मार्क्स का आता है। तो अगर आप इसको 8th स्टैंडर्ड में अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके 9th स्टैंडर्ड में भी अच्छे मार्क्स कवर हो जाएंगे। तो स्टूडेंट नाइट्रोजन जो होता है वो 78% प्रेजेंट होता है एयर के अंदर, इससे हम लोग इंडस्ट्रीज में फर्टिलाइजर भी बनाते हैं। फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम सॉइल के अंदर ऐड करते हैं ताकि सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिले। उसके बाद में लाइटनिंग के थ्रू भी नाइट्रोजन जो है वो सॉइल के अंदर मिक्स होता है,
नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगे जो होते हैं, राइजोबियम जैसे हो गया बैक्टीरिया, ये क्या करता है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है जमीन के अंदर, और फिर वो प्लांट्स जो होते हैं वो अपने रूट नोड्यूल्स के थ्रू उनको ले लेते हैं, अपटेक कर लेते हैं। इन्हीं प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं। एनिमल्स जब एक्सक्रीशन करते हैं या जब वो मर जाते हैं तो वापस से जमीन के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। प्लांट्स भी जब मर जाते हैं तो वो भी वापस से जमीन के अंदर क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, और इस तरह से वो वापस से क्या बना देते हैं, हमारा नाइट्रोजनस कंपाउंड बना देते हैं, फिर से वो जमीन के काम आ जाता है। उसके बाद में नाइट्रोजन कंपाउंड जो बन जाते हैं उनको फिर से कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं वो उनको वापस से क्या कर देते हैं, रिकन्वर्ट कर देते हैं इनटू नाइट्रोजन गैस। जैसे ही वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं कंपाउंड से, वो वापस से कहाँ चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। तो इस तरह से पूरी की पूरी नाइट्रोजन साइकिल चलती है। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से कुछ जो डिजीज़ेस होती हैं जो है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन एंड जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स, कि कुछ डिजीज़ जो होती हैं जैसे कॉलेरा हो गया, टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मलेरिया, वो किसके कारण से होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है मोड ऑफ ट्रांसमिशन और यहाँ पे जनरल प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हुए हैं कि किस तरह से हम इनको होने से रोक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, कॉलेरा जो होता है वो बैक्टीरियम के कारण होता है, टाइफॉइड भी जो होता है वो बैक्टीरियम के कारण होता है। जब हम बाहर से सड़ी हुई पानी पूरी, गंदा खाना, ये कुछ भी अनाप शनाप चीज़ें खाते हैं या फिर बाहर का सड़ा हुआ पानी पीते हैं, तो ये जो होता है ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण होता है। कंटेमिनेटेड यानी कि जो इन सारी बैक्टीरियम को कैरी कर रहा है, यानी पहले से पॉजिटिव है, जिसके अंदर ये सारी बैक्टीरिया जो हैं वो प्रेजेंट है। इनसे बचने के लिए हम बॉइल्ड वाटर पी सकते हैं, गुड सैनिटेशन हमें मेंटेन करना चाहिए कि भाई हम लोग हैंड वॉश करते रहें, हम लोग टॉयलेट में ही टॉयलेट जाएं, पर्सनल हाइजीन भी ज़रूरी है कि अच्छे से हम साफ सुथरे रहें, प्रॉपरली कुक्ड फूड हमें खाना चाहिए, सड़ा हुआ बासा हुआ फूड नहीं खाना चाहिए, और वैक्सीनेशन टाइम पे ली होनी चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट्स ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी, ये जो होता है ये हवा से फैलता है, और हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे जो ट्यूबरक्लोसिस होते हैं उनको पूरी तरह से हमें आइसोलेशन में रखना चाहिए। आइसोलेशन का मतलब होता है उनको सबसे अलग रखना चाहिए, और BCG की वैक्सीनेशन भी मतलब हमें लेनी चाहिए, बचपन में ही हमें ये वैक्सीनेशन दी जाती है। ये मैंने आपको पार्ट वन में वैक्सीन कब किस महीने में बच्चों को दी जाती है समझाया हुआ है। इसके बाद है स्टूडेंट्स हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जो होता है ये वायरस के कारण फैलता है, और ये वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। सड़ा हुआ वाटर अगर हम पीते हैं, गंदा कहीं का भी बाहर का, तो हमें हमेशा बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, हमें इसकी वैक्सीनेशन भी लेनी चाहिए। पोलियो के लिए तो हमें पता ही है, पल्स पोलियो मिशन चलता है, पोलियो के ओरल ड्रॉप्स दिए जाते हैं, एयर और वाटर के थ्रू ये फैल सकता है। कीप द पेशेंट एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम अदर्स। हमें क्या करना होता है, चिकन पॉक्स जो होता है ये भी वायरस के कारण होता है, मीजल्स ये भी वायरस के कारण होता है, तो इन जिन लोगों को ये होता है उनको हमें दूर रखना चाहिए। फिर है मलेरिया। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के कारण फैलता है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है ये मॉस्किटो के थ्रू होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, मॉस्किटो की ब्रीडिंग को रोकना चाहिए, तब जाके हमारा ये जो मलेरिया है इससे हम बच सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो एनिमल्स के द्वारा भी होती हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो होते हैं। ये वायरस जो होता है फूड मतलब ये एनिमल्स को भी हो जाते हैं, तो ये वायरस जो होता है ये फूड एंड माउथ डिजीज मतलब कॉज करता है। वायरस के कारण कैटल यानी हमारे जो दूध देने वाले जानवर होते हैं उनको भी डिजीज हो जाती है। बैक्टीरिया के कारण एंथ्रेक्स हो जाता है कैटल्स को। प्रोटोजोआ के कारण जो है एनिमल्स को स्लीपिंग सिकनेस हो जाती है पिग्स को और हमारे हॉर्सेस।
स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखते हैं कि सम कॉमन डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। प्लांट्स को भी डिजीजेस हो जाती हैं ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, यहाँ पे डिजीज दी हुई है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि किस तरह से डिजीज जो है प्लांट्स को लग जाती है। तो वायरस के कारण टोबैको मोज़ेक नाम की बीमारी हो जाती है, और ये जो है कपड़ों में और हाथों से जो फील्ड वर्कर एक जगह से दूसरी जगह काम कर रहे होते हैं उनके थ्रू ये डिजीज़ फैलती है। वायरस के कारण जो है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, यानी भिंडी के अंदर भी एक बीमारी फैल जाती है। भिंडी को ओकरा भी कहते हैं, और ये इंसेक्ट के द्वारा फैलती है। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण सिट्रस कैंकर नाम की डिजीज हो जाती है, और ये हवा के कारण फैलती है। फंगे जो होता है उसके कारण रस्ट ऑफ व्हीट लग जाती है, यानी पूरे के पूरे हमारे गेहूं की फसल में क्या हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, सड़ जाती है वो। और ये जो होता है एयर एंड सीड्स के कारण फैलती है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।